इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। विवाद विहीन ग्राम पंचायत में चल रहा है राशन देने का हिस्सेदारी वाला खेल, सेल्समैन मौन। जिला सिवनी विधानसभा व लोकसभा के विकास खंड छपारा के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत देवगांव में ग्रामीणों ने इंडियन टीवी न्यूज की पड़ताल में राशन बांटने को लेकर भारी गड़बड़ी की बात बताई, जिससे विस्तार से देखें। मैं इंडियन टीवी न्यूज से अनिल दिनेश्वर, आज हम आए हैं सिवनी जिले के ऐसे गांव में जो विवाद विहीन गांव है, और इस गांव में आके हम यहां के जो सदस्य हैं, रहनेवासी हैं, एक दादा, उनसे पूछेंगे कि यहां पे राशन से संबंधित कोई समस्या है या नहीं है, बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है। दादा आप बताएं थोड़ा सा कि राशन बराबर मिलता है आपको? अभी मिलता तो है जी, मैंने 1 किलो गल्ला काटता था। कौन, जो सहकारी समिति में जो बैठता है सेल्समैन? हाँ बोल। वो काटता है? हाँ जी। क्यों काटता है? हमारा भैया पापा जानता नहीं, लागू हो जी सम बोले नहीं कोई। तो कोई वहाँ लिखित आदेश या कोई जानकारी नहीं देते वो लोग कि क्यों काटा जाता है? नहीं देखो। हाँ। कोई नहीं बताता? तो ग्रामों में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं जो आप देख सकते हैं, दादा ने बताए, जो असली हकीकत खोलता है और पोल खोलता है कि प्रशासन में बैठे जो कर्मचारी हैं वो कैसे गरीबों के हितों में मार कर रहे हैं और उनके राशन की कटौती कर रहे हैं। क्या सरकार, भारत सरकार से मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या इस तरीके से कोई राशन काटा जा सकता है कि गरीबों के लिए बनी हुई योजनाओं पे कैसे सेंधमारी की जा रही है? आप अपनी आँखों से देखें कि यहाँ के रहने वासी दादा ने किस तरीके से बताया। 35 मिला तो 28 मिला। किस महीने में मिला था? पिछले महीने में मिला था। तो ये गाड़ी आपको घर पहुंचा के देती है, उसका पैसा काटा जा रहा है? हाँ, वही समझ में आ, उसी का दाना काटा जा रहा है? हाँ, वही में कट समझ में है ना। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किए थे? अभी नहीं, हमने कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? हाँ, हमने इसलिए नहीं किए कि भाई ये गाड़ी कटत हुई। हाँ, इसलिए नहीं बोले हमने। अच्छा, मतलब दाना काट के दिया जा रहा है? 35 की जगह 28 किलो। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।